हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। और आप सभी देख सकते हैं, पहले हल्दी के दिन विजय फुआ, नयन फुआ, उनके पापा, कांटी दादा, दीप, ध्रुव सब यहां पे सुबह पहले घर पे पूजा कर रहे हैं। बाद में हम जाएंगे मंडप पे भाई की हल्दी। और ये हम आ गए हैं सुबह सुबह हल्दी में मंडप पे, और यहाँ हल्दी की रस्म होगी। और ये देखिए स्टेज भी रेडी है, अभी घर के सारे लोग आ गए हैं, अभी मेहमान आएंगे, अभी मेहमान आना बाकी है। और आप देख सकते हैं विजय फुआ और पापा बैठे हुए हैं। और फोय और हिना फोय सब बैठे हुए हैं। दीप भाई ना फोटो शूट, दीप भाई का फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे। और हल्दी की भी पूजा शुरू हो गई है। और सबसे पहले दीप भाई की मामी यानी कि मेरी मम्मी ने सबसे पहले हल्दी लगाई दीप भाई को। और उनके बाद बीना आंटी ने भी हल्दी लगाई, और अंकिता भाभी ने बाद में हल्दी लगाई। और बाद में दीप भाई की मासी ने भी हल्दी लगाई। और मासी के बाद फोई ने दीप भाई की मम्मी ने हल्दी लगाई। पहले रस्म के अनुसार थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाते हैं, बाद में दीप भाई को पूरा हल्दी वाला कर देंगे। फोई के बाद हिना फोई ने भी पूरा दीप हल्दी लगा दिया। और बाद में दीप भाई को सभी ने उठा लिया, जिस पे बैठ के पूजा की थी उस पे उसको उठा लिया और झुला रहे हैं उसको। और दीप भाई भी सभी को हल्दी लगा रहे हैं। हल्दी ની વિધિ સમાપ્ત થયા બાદ અમે સૌ મોસાળાના ઉતારે આવી ગયા છે, અને અહીંથી જશું અમે મંડપે જ્યાં દીપુભાઈની ગ્રહ શાંતિની વિધિ એટલે સાતકની વિધિ શરૂ થઈ ગઈ હશે। અને અહીંથી મામા મોસાળો લઈને જશે, અહીંથી સૌ ગરબા ગાતા નાચતા કૂદતા અડધી ગ્રહ શાંતિની વિધિ સમાપ્ત થશે ત્યારે અમે ત્યાં પહોંચી જઈશું। આપ સૌ જોઈ શકો છો એ બધા ગરબા ગાઈ રહ્યા છે। जलाराम मंदिर है मौसाड़ाना उतारे
મામડી લઈને મામા લોકો બધા માંડવે આવી ગયા છે, એટલે નયન ફુવા ને બધા મામડી લેવા આવી ગયા છે. આ જોઈ શકો છો તમે, બધા આવી ગયા છે માંડવે. કોઈ લોકો પણ આવી ગયા છે. માસી અને ફોઈને લેવા માટે મોસાળાને લેવા તો આવવું પડે ને, તેના વગર વિધિ થોડી થાય. એટલે મોસાળાનું આગમન કરવા આવી ગયા લોકો. ચાલો और उसके बाद पापा ने दूल्हों को, फोई को, हुआ को जो मौसाड़े में देते हैं सब दिया. और ये हल्दी के एक दिन पहले शाम को सभी गीत गा रहे थे. बड़ा पापड़ी छूलता था, ऊंधियों बनावा हाल. लगन ना गीत गए, सब बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं. और मैं दीप भाई के और आयुषी बाबू के लग्न के भी वीडियो डालने वाला हूँ, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें.